मोबाइल फोन फॉर द नेक्स्ट 1.5 आवर, उसको अगर बहुत ही जरूरी है तभी यूज कीजिएगा, अदरवाइज मे बी यू विल मिस सर्टेन टॉपिक और मिस सर्टेन डिस्कशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सिंस दिस प्लेटफॉर्म ऑल द लेडीज ओवर हियर आर एंटरप्रेन्योर्स, सो यू ऑल वेरी मच इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी. ऑब्वियसली इट शुड बी लाउडर, जितना जोर से बोलेंगे उतना, मतलब मत हो, देखो आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, कोई माने या नहीं माने स्पिरिचुअलिटी हैज टू बी देयर. अगर जो भगवान को नहीं भी मानता है, भगवान को तक कोई बात नहीं बच्चे. आफ्टर देखो मैं कुछ वर्ड यूज करता हूँ, मेरी आर एल्डर्स टू मी, सम आर यंगर टू मी, डोंट टेक इट अदरवाइज. मैं बच्चे बोल दिया तो बोला कैसे बोल दिया, डोंट टेक इट अदरवाइज, इज ए नॉर्मल कैजुअल डिस्कशन. ओके, तो वी शुड बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी बिकॉज अल्टीमेटली देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है, लेकर के देकर के ले नहीं वो बेटर है, तो मानते रहेंगे उनको. तो जब भी पैसे की बात होती है हमेशा हाथ आगे रहना चाहिए, बिकॉज ऐसा बोला जाता है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धर्म माया, तीसरा चौथा पांचवा भी है उसमें नहीं जाएंगे, बिकॉज आई एम नॉट ओवर हियर टू स्प्रेड दैट सुख वाला स्टोरी. ठीक है, तो पहला सुख तो ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए, और दूसरा सुख के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए वी आर वर्किंग. तो पैसा कमाने का दो तरीका होता है, क्या तरीका होता है, एक तो यू ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स, यू आर वर्किंग, यू आर एक्टिवली वर्किंग, तो आप काम कर रहे हैं, आपके पास पैसा आएगा. दूसरा तरीका क्या होता है, आप अपने पैसे को काम में लगाइए, आपका पैसा काम करेगा आपके लिए और फिर आप ज्यादा पैसा कमाएंगे. और अगर सोते वक्त भी आपकी कमाई हो तो अच्छी बात है, तो सोते वक्त कमाई कैसे हो सकती है, व्हेन वी आर स्लीपिंग वी आर नॉट वर्किंग, सो वी आर नॉट अर्निंग डायरेक्टली, तब हमारा पैसा काम करता है. तो हमें यह सीखना बहुत जरूरी है, हाउ टू मेक आवर मनी वर्क फॉर अस. सो एज द टॉपिक इज एलिवेट योर वेल्थ, हमारा जो वेल्थ है इसको एलिवेट करना है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इट्स इनफाइनाइट. होता है ना पैसा कितना में, हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड, 1 करोड़ में खुश रहेंगे, 10 करोड़ में खुश रहेंगे, 100 करोड़ में खुश रहेंगे, अंबानी जी से जाकर पूछे कितना करोड़ में खुश रहेगा, there is no limit for it. The ultimate purpose of our life is happiness. This is the advice. So we need money for all our activities, all our tasks. But ultimately, you should find a certain goal. कि कितना पैसा से मेरे को खुशी मिलेगी. तो ये elevate का कोई definition नहीं है. It can go infinite. 100 crore, 200 crore, anywhere. मतलब अब जो Elon Musk है, you know Elon Musk? Yes. ठीक है, मैं कुछ chocolates लेकर के आया हूँ. So जो participate करेंगे, जो मेरे को बीच बीच में आएगी आस्किंग सर्टेन क्वेश्चंस हैं, ये कुछ चॉकलेट्स है, दिस विल मेक गिव यू सम मोटिवेशन, तो कुछ आंसर देते हैं. आई विल आस्क सर्टेन क्वेश्चन, महंगी नहीं है, 10-15 रुपए की चॉकलेट है, बट द मेन इज यू आर गेटिंग अ स्वीट, कुछ मिल रहा है. सो मैं क्या बता रहा था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस. Elon Musk, who is Elon Musk? क्या है, क्या चीज का मालिक है, दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी, ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इन द वर्ल्ड. अगर एक लोकैलिटी का रिचेस्ट बन जाए तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है, वो पूरा यूनिवर्स का रिचेस्ट है. तो वहां पर वेल्थ का कोई डेफिनेशन नहीं है उनके पास, बट स्टिल हमारा यहाँ पर मकसद रहेगा कि हमारे पास जो भी अर्निंग्स है उस अर्निंग्स को प्रोडक्टिवली हम लोग कैसे यूज कर सके, हाउ वी कैन ग्रो आवर वेल्थ एज वी आर ग्रोइंग ओल्डर. हम लोगों ने एक्टिवली लाइफ चालू की सपोज 25-30-35 इयर्स में, एंड बाय द एज ऑफ 55, अभी क्या होता है ना 55 होते होते हेल्थ डिटोरिएट होने लग जाता है. ऐसा नहीं है कि 70 साल तक काम करेंगे, 70 साल में कहीं और जाकर के काम करना पड़ेगा. आई अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राइंग टू से. तो द अर्लियर we can accumulate so much of wealth so that beyond our retirement hum log ko koi problem face nahi karni pade. And financial literacy is very important, financial literacy is very important. Paisa ko kahan par lagana hai, kis tarike se lagana hai, so that after 20 years of your active life you don't have to work. Aap agar kaam karte ho पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा आपने इतना बना लिया है कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है. लाइक अमिताभ बच्चन जी इज वर्किंग, अब मैं जो बता रहा हूं वाला 55 में रिटायरमेंट ले लो, तो रिटायरमेंट डजंट मीन यू आर स्लीपिंग, रिटायरमेंट मीन्स यू आर नॉट वर्किंग फॉर मनी.
आप काम कर रहे हो, पैसा आ रहा है, बिकॉज अमिताभ बच्चन काम कर रहा, पैसा तो आएगा ही, मगर वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। He is working because हमें तो कर्म करना ही चाहिए, as भगवत गीता में लिखा हुआ है, कर्म करना कर्म ना करने से अच्छा है, हमें कर्म करना चाहिए। तो whenever we are given a chance to work, हमें मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, we are talking about financial retirement, we are not talking about the active life retirement, हमें financial retirement चाहिए। अभी तो टारगेट होता है 35 साल में रिटायरमेंट चाहिए, 25 साल में बंदा काम में लगा, मतलब 10 साल में इतना पैसा आ जाए कि 35 साल में रिटायरमेंट हो गया। तो वो रिटायरमेंट का मतलब क्या है, इतना पैसा आ गया तो उस पैसे को काम में लगा करके मंथली जो एक्सपेंसेस है वो मेरे पूरे हो जाएंगे। तो अगर हम लोग पैसा कमाते हैं, से मंथली वेयर रनिंग 1 लाख रुपीज, तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उस 1 लाख में कुछ सेविंग्स करना। मे बी योर एक्सपेंसेस आर मोर, आपका 1 लाख का कमाई है, आपका खर्चा ही 1 लाख रुपया है, तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि आपका 80,000 का कमाई है और आपको 20,000 रुपए सेव करना पड़ेगा। सो द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज सेविंग। आप अगर 50,000 कमाते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ सेव करना है, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू सेव, हाउ कैन यू ग्रो योर वेल्थ। जब पैसा सेव ही नहीं करोगे तो उसको इन्वेस्ट करके ग्रो कैसे करेंगे। सो द प्राइमरी थिंग इज वी नीड टू बिल्ड द हैबिट ऑफ सेविंग, और ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। When we are kids, जैसे आपके घर में सब बच्चे हो, क्या सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाते हैं हम लोग, एक तो गुल्लक ला करके देते हैं, फिर 1-2 रुपया उसको देते हैं, बोलो उसमें डाल। अब क्या उसके पास, मम्मी पापा के पास 1-2 रुपया नहीं होगा जब वो मांगेगा, या 100 रुपया 200 रुपया नहीं, मगर एक हैबिट बिल्डिंग करनी है। वी नीड टू बी डिसिप्लिन्ड दैट मेरे को अपनी इनकम में से थोड़ा थोड़ा सेविंग्स करना है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग। अब आपने सेविंग्स करना सीख लिया, अपने गुल्लक में पैसा, आप लोग गुल्लक में नहीं डालोगे, बचपन में वो हैबिट डाल दी। अब नाउ यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीस, आपने उसमें से 20,000 रुपया सेव कर लिया, अब उसको घर में ना रख करके अब बैंक में अकाउंट खोल लिया। अब बैंक में जो अकाउंट हम लोग इंडिविजुअल खोलते हैं उसका नाम क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट। वो भी आप बताए तो पूरा लिंक हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो सेव किया, हम लोग पहले कहां रख रहे थे, घर में रख रहे थे। तो गवर्नमेंट देखती है सबको घर में पैसा रखते हैं और वो पैसा अनयूटिलाइज रहता है। जो काला धन होता है, ब्लैक मनी, उससे इकोनॉमी ग्रो नहीं करती है, बिकॉज वो मनी यूटिलाइज नहीं होता है, घर में रखा हुआ है। पैसा जितना बाहर सर्कुलेशन में आएगा देश का तरक्की उतना होगा, और जितना देश का तरक्की होगा उतना बिलीव करते हैं ना सर, इफ द कंट्री विल प्रोग्रेस देन वी विल प्रोग्रेस। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कंट्री का प्रोग्रेस नहीं और तुम्हारा प्रोग्रेस हो जाए, हमारा प्रोग्रेस, ऐसा नहीं होगा। If the country will progress, we will progress, provided we know how to capture it. हम लोग बस बोलते हैं मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, अगर मैं बात कर रहा हूं तो कोई पॉलिटिकल व्यूज मत ले लेना। जैसा बोला मोदी जी तो उधर घूमने जा रहे हैं, मोदी जी का, अरे मोदी जी कहीं जा रहे हैं, देश की तरक्की हो रही है, हाँ हो रही है। तो हमें ये सोचना है कि हम लोग उसमें कैसे पार्टिसिपेट करके अपना वेल्थ को ग्रो करें, और द मोर वी आर कंसर्न्ड अबाउट इट, बिकॉज हम लोग को पॉलिटिक्स से कुछ लेना नहीं है, हमें अपना बिजनेस को ग्रो करना है, हमें अपना वेल्थ को ग्रो करना है। तो जहां पर भी अपॉर्चुनिटीज मिले उस अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ करके हमें उसे ग्रैब करना सीखना चाहिए। तो आज मैं ये प्रयास करूंगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू लर्न सर्टेन टेक्निक्स। जैसे मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया था उसमें मैंने 3 पॉइंट मेंशन की थी, व्हाट वर द पॉइंट, एनीबॉडी रिमेंबर्स? फर्स्ट पॉइंट, रेज योर हैंड एंड से आई विल डिस्ट्रीब्यूट सम चॉकलेट। नहीं मैम आपको नहीं, आपको तो मैं ही होगा, आप जो कोई नहीं बोलेगा तो आप बोलिएगा। मैंने अपना रील में 3 पॉइंट्स बताया था, जैसे मैम ने मेरे को कॉल किया, बोला रितेश जी एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए, क्या द ऑडियंस विल गेट एन आइडिया क्या होने क्या वाला है। तो 10 मिनट सोचा क्या हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला था, बहुत कुछ होगा। इन 1.5 आवर आई विल एड अ लॉट ऑफ एलिबेशन, जो मैंने लास्ट में बोला था, बिकॉज मेरा एक लाइफ का मोटो है। मैं अगर कहीं भी अपने इंस्टीट्यूट में, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने आर्मी वर्क इंजीनियर ने कैंप में एक प्रोग्राम किया, वेडनेसडे को हिंदो 3 तारीख को प्रोग्राम हुआ था, तो वहां पर भी मैं ये बोला था इंस्टीट्यूट में 10 दिन पहले हुआ था। मेरा एक मकसद रहता है, बिकॉज ऑडियंस आर गिविंग देयर वैल्यूएबल टाइम टू मी, आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम मेरे को दिया है। अब उसमें अगर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है तो दैट इज यूजलेस। अगर आप यहां पर आते हो 1.5 आवर या 2 आवर स्पेंड करते हो और एट द एंड ऐसा लगता है यार इसे मूवी देख कर क्या गया, बोरिंग, मजा नहीं, पैसा नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हाँ मजा आया, नॉट द एंटरटेनमेंट वाला मजा, थोड़ा थोड़ा वो भी करेंगे मजा आएगा, तो नॉट द एंटरटेनमेंट वाला मजा, मगर वैल्यू एडिशन, मतलब आप सोच करके आए, इलिवेट योर वेल्थ।
मतलब कुछ फायदा होगा, कुछ पैसा ग्रो करने का टेक्निक मिलेगा, कुछ आइडिया लगेगा, पुल लगेगा। आपको बस ध्यान से वन एंड हाफ मिनट को कंट्रीब्यूट करना। तो मेरा जो रील था पहला, मैंने क्या बोला था, डू यू वॉन्ट टू ग्रो। देखिए जब भी आप कोई चीज सुनते हो देखते हो एकदम ध्यान से देखना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बिकॉज यू ऑल आर बिजनेस वुमेन, आप नॉर्मल वुमेन्स नहीं हो। नो बिजनेस वुमेन्स अदर देन देयर एक्टिव वर्क जो आप काम कर रहे हो उसमें तो चलो अच्छा ही है, उसमें आपने 80% टाइम अपना डिवोट किया, मगर 20% टाइम आपको कुछ अदर चीज में भी दिमाग लगाना पड़ेगा, तब आपका जो वेल्थ है, और अगर वहां से ज्यादा वेल्थ आएगा तो बिजनेस को भी ज्यादा ग्रो कर पाओगे। पॉजिटिवली लेना है। बहुत जगह होता है मेरा बिजनेस इतना कमाई होता है कि मेरे को यहां से चाहिए नहीं, अरे ठीक है हो रहा है ना, कुछ एक्स्ट्रा मिले तो खराब क्या है। इफ आर एबल टू लर्न सर्टेन स्किल, और आज जो स्किल हम लोग सीखेंगे इसमें एक्टिवली बहुत ज्यादा हम लोग को इन्वॉल्व होने का दरकार नहीं है। हम लोग की अगर दुकानदारी है तो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक दुकानदारी करते हैं, वो दिन भर मगजमारी करते हैं, थक जाते हैं। व्यापार इतना थकने का भी चीज जो होगा, व्यापार हल्का सा टेक्निक्स है, यू नो सर्टेन स्किल्स, आप उसको अगर अपना लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे ओवर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम आप देखोगे बहुत बेनिफिट होगा। तो क्या था प्लीज बताइए। यस, डू यू वॉन्ट टू लर्न द आर्ट एंड साइंस ऑफ वेल्थ क्रिएशन थ्रू इक्विटी? यस यस यस। चलिए, यू गॉट द फर्स्ट स्पीकर, ओके सेकंड वन। तो इसमें देखो मीनिंग है, हम लोग आर्ट भी सीखेंगे साइंस भी सीखेंगे, बिकॉज वेल्थ को मैनेज करना एक कला है और उसके पीछे थोड़ा सा साइंस भी होना चाहिए, बिना साइंस के कला काम नहीं। यस मैम, डू यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ भारत? ग्रोथ स्टोरी ऑफ भारत, अभी इंडिया नाम नहीं बोला मैंने, वही अरे ऑपोजिशन वाले इंडिया बनाकर बैठे हैं, तो फिर तो वो पॉलिटिकल बायसनेस आ जाएगा, पॉलिटिकल बायसनेस आ जाएगा, बोला वे सपोर्टिंग तो मैंने भारत को, भारत ही तो एक्चुअली है, इंडिया तो अंग्रेजों की देन है। वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट। अभी हमारे देखिए प्रधानमंत्री का भी सबसे ज्यादा मतलब अच्छी बात क्या लगती है ना, कि सपोर्ट हिंदी। ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश बोलने से ही सब कुछ होगा, दरकार होगी तो इंग्लिश भी बोलेंगे। वो अमेरिका जब गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, 5 मिनट का भाषण दिया था और पूरा भाषण अंग्रेजी में था। तो वी शुड बी एडेप्टेबल, वी शुड बी विलिंग टू लर्न दी स्किल्स। तो जब मोदी जी बिना इंग्लिश बैकग्राउंड के इंग्लिश सीख सकते हैं, तो आप लोग बिना फाइनेंशियल बैकग्राउंड के फाइनेंस क्यों नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं, तो वी विल लर्न दिस स्किल। मिल रहा है ना, मोटिवेशन आ रहा है ना, जो जो सोचा है नहीं क्या होगा, सबको होगा, टाइम है ना मेरे पास आराम से। 4:15 अभी, कितने बजे तक? 5:30, चलो 1 hour 15 minutes, आप आराम दिमाग खुला रखिएगा, सुनिएगा, मजा आएगा। थर्ड वन, दो चॉकलेट जा चुकी है, थर्ड वन। यस मैम, सब रील खोल के देखते हैं, बार भी फेल, नकल में भी अकल चाहिए सर। ठीक है, वो तो दरोगा जी नहीं, वो मूवी मैंने देखी नहीं है। मैं अभी रिसेंटली जब मैंने उसका ट्रेलर वगैरह देखा तो मैंने थोड़ा बहुत मैंने उसका वो 10-10 मिनट का यस टू चीट और मैंने क्लियर द एग्जाम ही डिडंट चीट। हाँ, उन्होंने इंटरव्यू में ये बोला, थर्ड ग्रेड आया वो, थर्ड ग्रेड क्यों आया, बिकॉज मैंने चीटिंग नहीं की। देखिए वो मैं तो मूवी देखा नहीं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्टोरी पता है, यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। ओके यस मैम, आर यू फीलिंग लेफ्ट आउट व्हेन द स्टॉक मार्केट इज एट लाइफ टाइम हाई? स्टॉक मार्केट सच में लाइफ टाइम हाई में है। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू डू पार्टिसिपेट और इन्वेस्ट इन इक्विटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? डायरेक्टली कर सकते हो, इनडायरेक्ट मैं सब सिखा दूंगा, कोई इश्यू नहीं, मैं सब सिखा दूंगा। देखना चाहता हूँ कौन कौन करते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू टू पार्टिसिपेट, मतलब आप शेयर बाजार में आप उसमें इन्वेस्ट करते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? ओके, और यू डू ट्रेडिंग मैम, बहुत अच्छा बात है, आपको अगर ट्रेडिंग करते हो और अवेयरनेस के साथ करते हो तो बहुत अच्छा, तो फिर क्या चीज़ है, क्रिप्टो में करते हो? क्या हम लोग तो क्रिप्टो के बंदे नहीं है।
मतलब आपको एक कप करोड़ बनाना है सीधा, आपको एक कप दो नहीं चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, दैट इज अ सेपरेट टॉप। फ्रेंड्स प्लीज शेयर द लाइव विद योर फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द जो बिट पॉइंट्स है जो क्रिप्टो एक सेपरेट टॉपिक है, अभी इवॉल्विंग है, इवॉल्विंग स्टेज है, बट एक प्रिकॉशन रहेगा, डोंट गो ब्लाइंडली फॉर इट, बिकॉज ऐसा होगा सुनहरे सपने देखते देखते किसी ने पानी डाल दिया, सपने चूर चूर हो गए। नहीं रियलिटी है मैम, बिकॉज वी कंडक्ट इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, तो इट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू मेक पीपल अवेयर वेयर यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, बिकॉज कुछ गलत हो जाएगा तो आपका जो हार्ड एंड मनी है वो चला जाएगा, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई हैव सीन पीपल से दे आर अर्निंग 50 लाख रुपीज फ्रॉम देयर मेन बिजनेस, दे आर इनकरिंग लॉस ऑफ 20 लाख रुपीज इन द मार्केट, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, जिस मेरी बात होती है क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज उसका 50 लाख आ रहा है, उसका 20 लाख जा रहा है, नेट में 30 बच गया तो इज हैप्पी। तो हम बोलते हैं कि अगर आपका पहला पॉइंट अगर ये 50 नहीं आएगा तो आपका हालत ऐसे खराब, और ये जो अगर 20 नहीं जाता है तो आपका 50 बच गया, और ये 20 को अगर आप अच्छा सा करते हो और 40 कर लेते हो तो आपका एक्टिवली 90 हो गया। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये कोई कैसीनो नहीं है कि एक दिन जाकर एंटरटेन करके आ गए। अभी जाते हैं ना नेपाल वगैरह जाते हैं, इंडिया में भी खुल गया है, आई डोंट गो देयर। यस सर, संभल के बोलिएगा, यू आर लाइव, नो प्रॉब्लम। देखो देखो क्या होती है ना, हम लोग शेयर बाजार के आदमी है, आई डोंट ड्रिंक, हम दारू नहीं पीते, मगर दारू की सेल होती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उससे जो रिलेटेड जो स्टॉक है वो शेयर बाजार में हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करके प्रॉफिट बुक करते हैं। तो कुछ भी हो रहा होने दो, जंग हो रही होने दो, हमें क्या करना है जंग से, हम मैंने तो जंग नहीं की, मैंने तो नहीं बोला ना फाइट करो, मगर उसके कारण कुछ और स्टॉक्स को बेनिफिट होने वाला है तो हम उसमें पार्टिसिपेट करके बेनिफिट कर लेते हैं। हमें अपना वेल्थ ग्रो करना है, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है, अगर कोई झगड़ा कर रहा है करने दो ना, मेरे कारण तो नहीं कर रहा है तो कोई इशू नहीं है। वी शुड लर्न दिस टेक्निक, क्या हमने कैसे बेनिफिट हम लोग को लेना है, किसी को चीट नहीं करनी है, इथिक्स फॉलो करनी है। मैं पहले ये ज्ञान दे रहा हूं फिर अपनी पीपीटी में आऊंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पीपीटी में चलेंगे मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड, थोड़ा सा एक सेटअप होना चाहिए माइंड का, एक वार्म अप सेशन टाइप का चल रहा है हम लोग का, तो इथिक्स हम लोग हमेशा फॉलो करना चाहिए। बिकॉज आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, एक सीरीज आई थी हर्षद मेहता स्कैम, किसने देखी है प्लीज रेज योर हैंड, जिन्होंने नहीं देखी है मैं बोलूंगा जरूर एक बार देखिए। मैंने अपनी मम्मी पापा को भी दिखाई थी, देखो एंजॉय, उन्हें भी मजा आया, मतलब वो उतना मजा से बनाया हुआ ना, तो देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग आल्सो। उसमें हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट से इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट कमाते हैं, मगर अनइथिकल होता, तो अनइथिकल होता तो एंड रिजल्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो खत्म हो जाता है, और जो इथिक्स के साथ रहेंगे वो अल्टीमेटली लॉन्ग रन में सक्सेसफुल रहेंगे। सो तो मेन हम लोग का है वेल्थ क्रिएशन थ्रू इक्विटी। अच्छा कोई बता सकता व्हाट इज वेल्थ, थोड़ा इंटरेक्टिव रखे, वर्कशॉप है ना, तो थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे, अपने जो समझ में है बताइए वेल्थ मतलब क्या होता है। एक्स्ट्रा मनी ओके मैम, एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्टमेंट ओके, एनीथिंग विच हैज द पावर टू परचेज समथिंग, एनीथिंग विच इज द पावर टू परचेज समथिंग ओके, ऑल आर राइट, सब राइट ही बोल रहे हैं अपना कॉन्टेक्स्ट में, सब राइट है, और दो चार सुनना चाहते हैं, सेविंग्स, प्राइस पोजीशन ओके, और एक दो जन से और लेते हैं, अर्निंग फ्रॉम द हार्डशिप, अर्निंग फ्रॉम द हार्डशिप, मेहनत की कमाई, मेहनत की कमाई ओके, वेरी नाइस, पोजेशंस मनी एसेट, कुछ कुछ हम अदर देन टॉपिक में डाइग्रेस करते हुए हम कुछ कुछ डालेगा, कुछ मैंने हिंट दे दिया पोजेशन एंड मनी ओके फाइन, ऑल ऑफ यू आर राइट, एक्सेलेंट आंसर, वन मोर ट्राई, एनीथिंग दैट वी कैन अर्न आइदर फ्रॉम अ हार्ड वर्क और अ स्मार्ट वर्क ओके, मेहनत से या स्मार्टनेस से जो कमा सकते हैं वो वेल्थ है, बचपन से सिखाया गया हेल्थ इज वेल्थ, पैसे की इस दौड़ में अपने हेल्थ को मत भूल जाना, दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज द रिचेस्ट इन्वेस्टर ऑफ इंडिया, कैन यू नेम हिम, रेज योर हैंड, लिंक तो चॉकलेट और डॉट है, द रिचेस्ट इन्वेस्टर ऑफ इंडिया, वेट डोंट ड्रॉप रेज योर हैंड मैम, आई विल आस्क वन, जो आदमी है मैम निकाल रही दिमाग के अंदर से निकाल रही एकदम, रिसेंटली डाइड, नहीं नहीं ठीक है, बोलिएगा मत बोलिएगा,
राकेश झुनझुनवाला उसको एक देना पड़ेगा राकेश झुनझुनवाला इन्होंने इनर्मस वेल्थ कमाया है स्टॉक मार्केट से ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ज्वाइंड द स्टॉक मार्केट इन 1985 और इन्होंने जितना वेल्थ बनाया है बाजार से आज तक किसी ने नहीं बनाया अब उनका पोजीशन उनका वाइफ के पास है रेखा झुनझुनवाला तो अलग बात है मगर इन्होंने बनाया तो उन्होंने पैसा तो बहुत बना लिया मगर जो इंजॉय करने के लिए जो हेल्थ चाहिए वो 60 साल का उम्र आते आते खो दिया तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा ऑल्दो वी विल बी फोकसिंग ऑन मनी बिकॉज आपने सबने राइट आंसर दिया किसी ने कोई गलत आंसर नहीं दिया मगर उसके चक्कर में हेल्थ खराब नहीं करना है दैट इज द फर्स्ट सुख बिकॉज आपने कमा लिया बहुत कमा लिया फायदा क्या होगा तो आपको अपना हेल्थ लेवल मैं डाइग्रेस कर रहा हूं टॉपिक दिस इज इंपॉर्टेंट आपको मैं जो भी बात बोलूंगा आपको कनेक्ट कर दूंगा यू कैन कनेक्ट द डॉट्स एट द एंड ठीक है तो हेल्थ में ध्यान देना है और अभी वेल्थ में हम लोग फोकस करेंगे तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल जा रहा हूं कैपिटल मार्केट दो चार चॉकलेट बांटनी नहीं है तो एक तो सवाल पूछ लेते हैं Because you should be aware about it. आप जब बाजार में पैसा लगाते हो तो थोड़ा थ्योरी भी जानना जरूरी होता है और फिर एक्चुअल प्रैक्टिकल करेंगे What is a capital market में अपने अपनी भाषा में कैपिटल मार्केट हिंदी में बोलते हैं पूंजी बाजार Market where we can invest our money. Sit down and leave, no problem. Market where we can invest your money. Okay, right definition. Still anybody else? What is capital market? The asset and the liability is there. एसेट एंड लाइबिलिटीज तो बैलेंस शीट हो गया मैम कोई दिक्कत नहीं वो नहीं आपको कुछ मैंने ऐड किया मैंने इंटेंशनली ये दो स्लाइड ऐड की है बिकॉज आप जब बाजार में पैसा लगाते हो ना अदरवाइज क्या रहेगा ना कोई आपको बेवकूफ बना देगा द अमाउंट विच वी आर इन्वेस्टिंग इज द कैपिटल दैट इज कैपिटल मैम कैपिटल मार्केट बायर्स एंड सेलर्स दो तरह का मार्केट होता है टेक्निकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दो तरह का मार्केट होता है एक मनी मार्केट होता है और एक कैपिटल मार्केट होता है ठीक है मनी मार्केट में क्या होता है जो भी पैसा उधार लिया जाता है या फिर लेंड किया जाता है कोई लेगा तो कोई देगा ना तो विद इन वन ईयर का टाइम पीरियड होता है एक साल के अंदर ही उसको रिपेमेंट करना पड़ेगा मगर आपने अगर किसी को मनी मार्केट में पैसा दिया तो आपको एक साल के अंदर वो पैसा वापस मिल जाएगा ठीक है तो एक होता मनी मार्केट जिसमें लेन और देन बोरोइंग एंड लेंडिंग इज फॉर वन ईयर एक साल से ज्यादा का अगर टाइम पीरियड होता है तो वो कैपिटल मार्केट में आ जाता है तो अगर किसी कंपनी को या गवर्नमेंट को एक साल से ज्यादा के लिए पैसा चाहिए तो वो कहां जाएगा कैपिटल मार्केट में चले जाएगा किसी कंपनी को या किसी गवर्नमेंट को एक साल से कम के लिए पैसा चाहिए तो कहां जाएगा वो मनी मार्केट में जाएगा ठीक है तो कैपिटल मार्केट इज दैट मार्केट वेयर बोरिंग एंड लेंडिंग टेक प्लेस फॉर मोर देन वन ईयर और यहाँ पर क्या होता है दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं एक डेट होता है इक्विटी होता है हम लोग का मेन फोकस होगा डेट में लेकिन सब कुछ इक्विटी मगर मैं सब कुछ बताऊंगा इक्विटी क्या है डेट क्या है तो कंपनीज एंड गवर्नमेंट कैन रेज लॉन्ग टर्म फंड मतलब एक साल से ज्यादा के लिए तो अभी जैसे क्या होता है बहुत सारी कंपनीज आती है आईपीओ सुना बट आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर कोई बताना चाहेगा रीज योर हैंड एंड से व्हाट इज एन आईपीओ तो क्लास ही ले रहा हूं है कोई इश्यू नहीं है बिकॉज द मोटो इज नॉट क्या आप लोग सुन के चले जाओ मकसद यहां पर है क्या कुछ लेकर के जाओ और पार्टिसिपेट करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग को लगेगा कुछ समझ में आया कोई बताना चाहेगा व्हाट इज एन आईपीओ आप बताइए आपसे कोई चॉकलेट मैं नहीं दूंगा आपको फाइन लगेगी जब कंपनी कोई भी कंपनी अपना स्टॉक लिस्ट करते हैं ना तो वो आईपीओ निकालते हैं ठीक है आपने राइट बोला गलत नहीं है राइट ही बोला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यस मैम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब क्या हुआ इसका आईपीओ का फुल फॉर्म हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर ऑफर किया ऑफर मतलब फ्री में दिया जाता है कुछ नहीं मिलता फ्री में कुछ नहीं मिलता आजकल तो मंदिर में जाते हैं तो उसमें पैसा लगता है नॉमिनल नहीं होता मैम नॉमिनल नहीं होता कोई भी प्राइस हो सकता है जो कंपनी को अच्छा लगे
कम, जैसे आपके पास कोई सामान है आपको उसको बाजार में बेचना है, अगर आपको लगेगा 500 में बिकेगा तो आप 500 में बेचोगे, आपको लगेगा 100 में बिकेगा तो आप 100 में बेचोगे। अब पेटीएम बोल करके कंपनी है, सबने सुना ना पेटीएम करो काफी कैश डिस्काउंट मिला और सब लेकर के चला गया जब आईपीओ आया, बताऊंगा कैसे, काफी कैश डिस्काउंट दिया, काफी कैश डिस्काउंट दिया सब कोई, उससे क्या हो रहा था, उसका एक वर्बल मार्केटिंग हो रहा था, पेटीएम 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 पेटीएम, और उसने देखा पूरा इंडिया में पेटीएम छा गया है, अभी सही वक्त आ गया है, क्या लाने का, आईपीओ लाने, अपना शेयर को पब्लिक को इश्यू करने के। फर्स्ट टाइम कंपनी आई अपना शेयर को इश्यू की, द प्राइस वॉज 2100, 2150 रुपया था या 2100 रुपया था, आई डोंट रिकलेक्ट, मतलब 2100 था, 2150 है, 2100 में शेयर इशू किया उसने और बहुत जन ने सब्सक्राइब किया। मैंने तो मेरे लोन को बोल दिया था भाई दूर रहना, पहले ही बोल दिया दूर रहना, मेरा एफबी में भी डाल दिया था और बाकी लोगों को भी मैंने बता दिया था, लेकिन बहुत जन स्मार्ट होते हैं, नहीं पेटीएम करो पेटीएम करो, सबने लगाया, बहुत जन को अलॉटमेंट मिला, वो विद इन वन ईयर गिर करके 500 रुपया आ गया, 500 रुपीज आ गया, अभी 650 रुपया चल रहे हैं स्टिल, जिसको 2100 में मिला था वो तो इंतजार ही कर रहे हैं आएंगे अच्छे दिन, मेरे घर अंदर सुनाएंगे 2100 का भाव आएगा। तो देर आर दिस टाइप ऑफ स्टोरीज ऑल्सो इन मार्केट, तो अच्छी बात तो होगी, मैं इक्विटी में फोकस करूंगा, मैं इक्विटी का इंपॉर्टेंस बताऊंगा, कैसे वेल्थ क्रिएट होता है, मगर वेल्थ डिस्ट्रक्शन भी होता है, तो आप खाली ब्लाइंडली अगर चले जाएंगे तो कोई ना कोई चुना लगा कर चला जाएगा, तो आपको मैं बताऊंगा बिना फाइनेंशियल बैकग्राउंड के आप कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि इसमें लगाना है कि नहीं लगाना, मैं आया हूं ना आधे घंटा है बताऊंगा सब बता के चाहूंगा। ऑब्वियसली लास्ट में मैंने एक बार मेरा रील में चलते हैं, लास्ट में क्या बोला था मैंने, And absolutely there will be roti. For money. Value roti, roti. Absolutely roti. मैंने roti word use नहीं किया था वहाँ पर, मैंने पूरा उसको elaborate किया था. Return on time invested. तो roti जरूरी है ना? तो return on time invested is important. तो आपने यहाँ पर time invest किया आज, 1.5 घंटा मेरे को दे रहे हो, तो return absolutely मिलेगा. मैं बता दूँगा आपको. एकदम कैसे आप 100% तो कुछ नहीं हो सकता है. कोई भगवान नहीं हो गया मैं बोल दिया तो हो जाएगा, मगर मोटा मोटी आइडिया लग जाती है, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इक्विटी इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं है कि फलाना आकर के बोल दिया चल ये जाएगा, उसके लिए एक तो वीडियो है मैं रिकमेंड करूंगा आप देखिएगा, जसपाल भट्टी जी का नाम सुना है, सुना पहले जब मैं काफी छोटा था उनके कॉमेडी शोज आते थे, तो 90s का टाइम में जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था तो उस समय कॉमेडी क्या होती थी, थोड़ी अवेयरनेस के लिए होती थी, अवेयरनेस के लिए, पीपल गेट अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, तो आप गूगल में जाकर के 10 मिनट स्पेंड कीजिएगा, यूट्यूब में टाइप कीजिएगा जसपाल भट्टी स्टॉक मार्केट, उसमें एक तो वीडियो आएगा और 10 मिनट का वीडियो आप देखिएगा कैसे मार्केट में गड़बड़ी भी होती है, कैसे कोई आईपीओ लाता है पैसा लेता है और आसमान में शेयर प्राइस चला जाता है, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं बुरी तरह फंस जाते हैं। 10 मिनट का वीडियो है आप जरूर देखिएगा, आपको वैल्यू एडिशन होगा, स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशंस भी होते हैं, मगर हर चीज का एडवांटेज भी होता है डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है ना, तो अगर हम लोग खाली डिसएडवांटेज का ही बात करेंगे तो होगा नहीं, अच्छाई को देख रहे हैं, हर इंसान में भी अच्छाई होती है बुराई होती है, तो स्टॉक मार्केट में भी मैनिपुलेशंस होते हैं, मगर उसमें अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, तो आज का हम लोग का मकसद रहेगा अपॉर्चुनिटीज को, तो अगर किसी कंपनी को 1 साल से ज्यादा के लिए पैसा रेज करना है तो कैपिटल मार्केट में जाएगा, और हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटीज होती है कि हमारे पास जो पैसा है या तो बैंक में डालेंगे सेविंग्स अकाउंट में, तो सेविंग्स अकाउंट में डालेंगे तो कितना परसेंटेज का ब्याज मिलेगा, हार्डली 4%, ओके एनीबडी है कुछ राउंड फिगर रेंज में बता सकते कितना मिल रहा है प्रेजेंटली, 5.65, तो एफडी का रेट बता दिया आपने, सेविंग्स अकाउंट का आपने जो सेव किया घर पे ना रख करके बैंक में डाल दिया, 2% 2.5 से 3% मिल रहा है, 2.5 से 3%, और बाजार में एक महंगाई बोल करके एक चीज होती है, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या करता है, जो पैसा होता है इसका परचेजिंग पावर को कम कर देता है, और जो महंगाई है वो अराउंड 5-6% बाजार में चलती है, 5-6%, मतलब अगर कोई सामान आज 100 रुपया का है तो 1 साल के बाद
उसकी कीमत 105 रुपया या 106 रुपया हो जाएगी। अब आपके पास आज 100 रुपीज है, आप ये सामान परचेज कर सकते हो आज 100 रुपीज में। आपने क्या किया, उसको बैंक में डाल दिया, बैंक का सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया। वो 100 रुपये आपको एक साल के बाद कितना मिलेगा, 103 रुपये मिलेगा। अब आपने प्लानिंग किया कि एक साल के बाद वो सामान खरीदेगा, तो आपका 100 रुपया में आज वो सामान आ रहा है, मगर आज आप नहीं परचेस कर रहे हो, आप एक साल के बाद परचेस करोगे। आपने बैंक में डाला, बैंक से 103 रुपया मिला, आप वो सामान परचेस करने गए, इसका पावर कम हो गया। पहले 100 रुपये में सामान मिल रहा था ना, उसका जो परचेजिंग पावर है वो पावर क्या हो गया, कम हो गया। वो दुकानदार बोलेगा इसका कीमत 106 रुपया हो गया, 3 रुपया और डालो फिर मिलेगा। तो आपका जो सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है वो ग्रो नहीं कर रहा है, वो खराब हो रहा है, उसका पावर कम हो रहा है। तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू कीप मनी ओवर देयर। वहां पर पैसा रखना अच्छा रखना तो पड़ेगा एक बार के लिए, मगर उसको कंटिन्यूअसली नहीं रखना वहां पर। क्या मेरे पास 5 लाख रुपया आया हम उसे छोड़ दिया, नहीं। तो मेरे को सेविंग्स अकाउंट में पैसा नहीं रखना है। दूसरा ऑल्टरनेटिव अगर एफडी का सोचे, एफडी में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है अभी, 5-6-7 बहुत सारे प्लान्स है, बहुत सारा वो है। अब क्या होता है, एक तो कनेक्शन होता है, एक कनेक्शन होता है, जैसे जैसे देश का तरक्की होगा ना, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन नाउ, धीरे धीरे ये डेवलप नेशन बन जाएगा। अच्छा, एक तो डेवलप नेशन का नाम बता सकते हैं, यूएसए और जापान। जापान इज अ डेवलप नेशन। जापान में कोई बता सकता व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, गूगल मत करिएगा, जापान में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है बता सकते हैं, गेस करिए ना, गेस करिए, 15 और डेवलप में तो ज्यादा लेगा। देखिए हम लोग का दिमाग में जो आता है ना उसका उल्टा होता है, याद रखिएगा। जितना डेवलपिंग नेशन होगा, देखो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है, जिस चीज का शॉर्टेज होगा ना उसका दाम बढ़ेगा, जिसका सप्लाई ज्यादा होगा उसका दाम नहीं बढ़ेगा, जिसका डिमांड होगा उसका दाम बढ़ेगा, जिसका डिमांड नहीं होगा उसका दाम नहीं बढ़ेगा। जो मनी है इसका कीमत होता है इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द प्राइस ऑफ मनी। जो पैसा होता है ना इसका कीमत होता है इंटरेस्ट रेट। तो जो देश में पैसे की कमी है वहां पर ब्याज दर महंगी होगी, बिकॉज कमी है ना। जब कोई सामान जैसे भी टमाटर 200 रुपए किलो हो गए थे, सबको पता होगा, जब मेरे को पता है तो आप लोगों को तो पता होना ही है, 200 रुपए किलो हो गए, क्यों, शॉर्टेज हो गया, बहुत सारा खाने की शॉर्टेज हो गया, शॉर्टकट में शॉर्टेज हो गया। अब फिर से 40-50 रुपए हो गए अबंडेंस ऑफ सप्लाई। तो पैसा का अगर शॉर्टेज होगा तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा, और पैसा बहुत होगा इंटरेस्ट रेट कम। डेवलप नेशन है मतलब पैसा कम है, पैसा बहुत है, इतना पैसा है कि रखने का जगह नहीं है, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, वहां पर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चला जाता है बीच में, नेगेटिव मतलब बैंक में बोलेगा भैया मेरा 10 लाख रुपए है और 1% ब्याज देना पड़ेगा। हम लोग का थॉट में नहीं आएगा ऐसा, हम लोग इंडियंस है ना, हम लोग का थॉट में नहीं आएगा। लेकिन आने वाले 25 साल में इंडिया एक डेवलप नेशन की प्रति जा रहा है, इंडिया विल बिकम अ डेवलप नेशन। नेगेटिव हो या नहीं हो इंटरेस्ट रेट कम जरूर होगा। तो आज आपको जो 6-7% 5-6% मिल रहा है ना, ये आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन महंगाई कम होने वाली नहीं है, महंगाई तभी जाकर के कंट्रोल में आती है जब एक डेवलप नेशन बन जाते हैं। डेवलप नेशन में भी महंगाई ज्यादा हो सकती है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं और एफडी में पैसा रखते हैं तो आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें जो भी कमाई होगा वो इन्फ्लेशन खा जाएगा, बल्कि इन्फ्लेशन उससे ज्यादा ही रहने वाला है। तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए वहां पर पैसा रखना नहीं रखना, एक बार नहीं रखेंगे तो और ज्यादा नुकसान होगा, मतलब उसमें रख करके समझदारी नहीं है। हम लोग 5 साल का एफडी करा के खुश हो जाते हैं, और तो 100 रुपया में कुछ 25-30 रुपया हम लोग को रखना चाहिए, बिकॉज रिस्क भी कुछ होता है। अगर हम खाली इक्विटी करेगा तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो रिटर्न और रिस्क को बैलेंस करके चलना है। तो 100 रुपए में मान लीजिए आपने 25 रुपया ये एफडी सेविंग्स में रख दिया कि रिस्क नहीं है, लेकिन बाकी जो 60-70% ऑफ योर मनी है उसको हम लोग कहां पर लगाएंगे वो हमें देखना है। तो कैपिटल मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देगी कि हम लोग पैसा कहां लगा सकते हैं। कैपिटल मार्केट चैनलाइज द फंड फ्रॉम दोज हु हैव एक्सेस कैपिटल टू दोज हु नीड इट।
जिसको पैसा आपके पास पैसा है आप कैपिटल मार्केट में लगाएंगे, कैपिटल मार्केट के थ्रू जिसको चाहिएगा उसके पास वो चला जाएगा। अब कैपिटल मार्केट में दो तरह का मार्केट होता है, एक प्राइमरी मार्केट एक सेकेंडरी मार्केट। पहली बार जब कंपनी पैसा लेने के लिए आती है, चाहे शेयर का फॉर्म में चाहे बॉन्ड्स का फॉर्म में, वो प्राइमरी मार्केट में आती है और आने के बाद वो अपना शेयर को लिस्ट करवा देती है, जिसको हम लोग स्टॉक मार्केट बोलते हैं, शेयर मार्केट बोलते हैं। तो जो शेयर मार्केट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो इंडिया में कोई बता सकते हैं विच आर द टू, हाथ उठाइएगा है, विच आर द टू इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया, हर प्रॉम्प्ट मत कीजिएगा प्लीज, लेट्स सी आर यू अवेयर और नॉट। अब मेरे को एक खाली भी करके जाना, यस मैम आप बताइए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, चलिए ठीक है आप बैठिए। एक और नाम है बताइए, अब आप बताइए मैम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, चलिए दोनों ऐसा राइट है, चलिए दो जन को एक एक चॉकलेट दे देते हैं। सो अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग शॉर्ट वर्जन में बोलते हैं बीएससी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को शॉर्ट वर्जन में बोलते हैं एनएससी, तो पूरा नाम नहीं चलता है नाउ इसे बीएससी एनएससी, तो दो ही स्टॉक मार्केट है। ये स्टॉक मार्केट क्या हो गया, जैसे वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल्स मिलती है ना, साथ में फ्रूट्स भी तो मिलता है, तो वैसे ही ये जो स्टॉक मार्केट है इसमें शेयर्स बॉन्ड्स डिबेंचर्स ये सब मिलता है। तो सब्जी बाजार में जाते हैं सब्जी वगैरह फ्रूट्स वगैरह खरीदने के लिए, तो अगर आपको शेयर या बॉन्ड खरीदना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, आपको स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट में जाना पड़ेगा। अब ये जो वेजिटेबल मार्केट है ये फिजिकल फॉर्म में होता है, ऑल दो अभी ऑनलाइन हो चुका है, हम लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर्स देते हैं, बट स्टिल फिजिकल मार्केट इज देयर, मगर स्टॉक मार्केट में प्रेजेंटली देयर इज नो फिजिकल मार्केट। अगर हर्षद मेहता स्कैम देखेंगे तो उसमें एक रिंग नजर आएगी आपको, उसमें क्या होता है वो 93 से पहले का 93 या 94 से पहले का इंसिडेंट है। पहले क्या होता था, ऑनलाइन नहीं था, तो जो भी बाइंग या सेलिंग होगा वो वहां पर जाकर ही होगा, तो उसमें बायर होते थे सेलर होते थे जॉबर्स होते थे ब्रोकर्स होते थे, बहुत जन पार्टिसिपेट करता था। अब वो सारा सिस्टम हट गया, आज से 30 साल पहले कोई शेयर खरीदना हुआ सो डिफिकल्ट यू कैन नॉट इमेजिन, अब शेयर खरीदना या बेचना है सो इजी ना यू कैन नॉट इमेजिन, मतलब इतना इजी है, बस वो ऐप डाउनलोड करो अकाउंट खोलो, फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ेगी लेकिन अब क्या खरीद रहे हो क्या बेच रहे हो ये बहुत समझने वाला चीज है, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो दो क्या सेकेंडरी मार्केट में बेसिकली इन इंडिया वी हैव टू मार्केट्स, द बीएससी एंड एनएससी, और अदर एक्सचेंजेस है उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। पहले रिलेवेंसेस होता था कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, अभी वहां पर कोई काम नहीं होता है तो वो ना के बराबर ही है, वो मेन इज बीएससी एनएससी। दोनों में कोई फर्क है, कोई फर्क होगा बीएससी एनएससी, अभी एक विधान मार्केट में वेजिटेबल मार्केट है, एक चंपासरी में वेजिटेबल मार्केट है, कोई ज्यादा फर्क होगा, वहां पर भी सब्जी मिलती है वहां पर भी सब्जी मिलती है, तो यहाँ पर बीएससी में भी रिलायंस का शेयर मिलेगा एनएससी में भी रिलायंस का शेयर मिलेगा, दोनों में रिलायंस का शेयर मिलेगा, कभी कभार डिमांड एंड सप्लाई के कारण 10-20 रुपए का ऊपर नीचे डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज सेम ही है। बीएससी से खरीदो एनएससी से खरीदो, एनएससी थोड़ा बड़ा है उसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है, ये एडवाइस कि आपको एनएससी में ज्यादा काम करना चाहिए। अब देखिए मैंने इसके बारे में बताया सेविंग इज इंपॉर्टेंट, ये सब मानते हैं सेविंग करना चाहिए, तो एक रूल बनाइए आप जो भी अर्न करोगे उसका मिनिमम 20% सेव करना है। 100 रुपया कमाएंगे तो मान लेंगे 80 रुपया की कमाई है, 80 रुपया हटाएंगे, जब 80 की कमाई है तो आप 80 से ज्यादा खर्चा करेंगे नहीं करेंगे, 100 की कमाई है मान लीजिए 80 है, लेकिन यहां पर कान उल्टा है, मान लीजिए 110 की कमाई है, माइंड सेट को चेंज करना है। और जो नहीं मानना चाहती है वो डेली क्रेडिट कार्ड कंपनी फोन करती रहती है, अब पेट्रोल पंप में चले जाए पेट्रोल भराने के भैया क्रेडिट कार्ड ले लो क्रेडिट कार्ड ले लो, ना लेना चाहते है तो भी एक तो चेप देते हैं, तो क्रेडिट कार्ड लेना खराब नहीं है, रखना चाहिए कब काम आ जाए, मगर उससे अननेसेसरी स्टफ खरीदना खराब है, बिकॉज वो कंपनी फ्री में नहीं दे रही है, वो चाहती है आप खरीदे और ऑन टाइम पेमेंट ना करे, ताकि वो पेनल्टी लगाए और आपसे इंटरेस्ट ले, और जब इंटरेस्ट और पेनल्टी लगेगा तो पूरा साल का ब्याज एक हफ्ता में मिल जाएगा। तो यू मस्ट हैव अ क्रेडिट कार्ड, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बिकॉज कहीं कहीं क्रेडिट कार्ड बहुत काम आते हैं, कहीं आप रिजर्वेशन ले रहे हैं होटल में वहां पर आपको क्रेडिट कार्ड नंबर देना ही पड़ेगा, मगर उसको अननेसेसरीली यूज नहीं करना है। तो ट्राई टू बिल्ड दी हैबिट ऑफ सेविंग, और अपने जान पहचान वालों को भी बोलना कि अगर 100 रुपया कमाते हो तो 20 रुपया सेव करना है, मान लो 80 रुपए की कमाई है, टाइम लगेगा, अगर नहीं होता है तो मान लीजिए 99 की कमाई 1 रुपया सेव कीजिए,
एक महीना के लिए, फिर 2 रुपए सेव कीजिए, फिर 3 रुपया, धीरे धीरे आपका बिल्टअप हो जाएगा। बट खाली सेविंग इज इम्पोर्टेंट से होगा नहीं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मैंने बोला घर में रखेंगे, सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो इन्फ्लेशन उसको खा जाएगा, बेटर क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, तो आज हम लोग को इन्वेस्टमेंट सीखना है। अभी एक पर्सन की फोटो है, जब भी इक्विटी की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, इनको मेंशन करना बहुत जरूरी है। अब जैसे राकेश झुनझुनवाला को बोला जाता था ही इज अ वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया, तो ये है मिस्टर वॉरेन बफेट जी। काफी उम्र हो गई है, 95+, स्टिल इज अलाइव एंड एक्टिव, इज एक्टिव, रिटायर्ड नहीं है, पैसा का दरकार नहीं है, इतना पैसा कमा चुका है, एक समय वर्ल्ड के टॉप 3 में थे। तो इन्होंने ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द अर्ली एज ऑफ 15 और इन्होंने इतना वेल्थ क्रिएट किया है इक्विटी से, वी कैन नॉट इमेजिन। तो क्या होता है अगर इक्विटी की बात करें तो इनसे इंस्पिरेशन मिलता है। अब इंडिया में एक और लेजेंड है इन्वेस्टमेंट के फील्ड से, मोतीलाल ओसवाल बोलकर के एक ब्रोकर हाउस है बॉम्बे में, ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में है। उनके जो को पार्टनर है रामदेव अग्रवाल, किसी ने नाम सुना है, बाबा रामदेव का जरूर सुना होगा, बट इज रामदेव अग्रवाल नॉट बाबा रामदेव। तो दैट पर्सन फॉलोज हिम रिलीजियसली और ही इज अ बिलियनर, जो रामदेव अग्रवाल जी है ही इज अ बिलियनर, 10,000 करोड़ से ज्यादा का उनका वेल्थ है आज के टाइम पे। तो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ना पीपल्स को। आप जैसे नॉट यू ऑल लिटरली, सपोज कोई फॉलो करता है कैरी मीनाथी को, नाम सुना कैरी मीनाथी का, खाली नाम ही सुनिएगा वो बेटर है, नाम ही सुनिएगा। और वेल्थ क्रिएट मतलब अगर आपको कुछ बनना है तो उस फील्ड में जो सक्सेसफुल पर्सन है आपको उनको सुनना पड़ेगा। जैसे आप जिस प्रोफेशन में हो, आप जो बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में अगर कोई बहुत सक्सेसफुल है तो आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा ना, तभी तो आप उस फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। बोला नहीं हम उसको फॉलो नहीं करेगा, हम कुछ ऐसा करेगा वो मेरे को फॉलो कर, वो बाद में आएगा स्टेज। द्रोणाचार्य अर्जुना, अब अर्जुन ने आपकी मेहनत की, वो इतना स्किलफुल बन गया कि द्रोणाचार्य बोले कि अर्जुन को हराना पॉसिबल नहीं है। तो वैसे उसके लिए तो हम लोग को जाना पड़ेगा। सो आई मेंशनिंग दिस पर्सन, दे आर द लेजेंड्स ऑफ दिस फील्ड। तो जो रामदेव अग्रवाल जी, 1995 में आई केम टू नो अबाउट बफेट एंड बिकॉज ऑफ हिम आई एम सो सक्सेसफुल। ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी है, उन्होंने पढ़ा होगा, सब कुछ दिया होगा, तो इन्होंने ये एक फेमस चीज बोली है, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। एक सिंगल इनकम पर डिपेंड मत कीजिए, हमेशा इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो। मैं एकदम प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, बिकॉज यू नेवर नो वट कंटिजेंसीज लाइज अहेड इन योर लाइफ, डोंट टेक मी अदरवाइज, मेरे को नेगेटिव टोन में मत लीजिएगा, जो हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ है वो बता रहा हूँ। रेमंड्स वॉल्कर की कंपनी है, नाम सुना होगा, रेमंड्स नाम सुना है ना, इतनी पुरानी कंपनी है, को बता सकता हूँ उस कंपनी का मालिक का नाम कौन है, मतलब उस मेजोरिटी। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर हम लोग किसी कंपनी का शेयर खरीदे ना तो हम उस कंपनी का मालिक बन जाते हैं, क्योंकि उस कंपनी का मालिक होता है शेयर होल्डर। मेरे पास रिलायंस का 10 शेयर है, हम रिलायंस का मालिक है, अलग बात है मुकेश अंबानी के पास करोड़ों शेयर है, लेकिन आई एम ऑल्सो द ऑनर। तो ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द ऑनर ऑफ द कंपनी, तो आप 10 कंपनी का 10-10 शेयर खरीद लीजिए। कोई पूछे क्या करते हो, बोले फलाना कंपनी मेरी है, ढेरा कंपनी मेरी है, वह कंपनी मेरी है। गलत क्या, गलत बोल रहे हैं कुछ, मेरा पोर्टफोलियो में 20 कंपनी है, तो बोल सकते 20 कंपनी का मालिक है। कल मैंने एक कंपनी का शेयर खरीदा 50 शेयर, तो उसका मालिक बन गया, वो अलग बात है। मेरा प्रपोर्शन ऑफ होल्डिंग क्या है, बहुत ही माइन्यूट है। तो जो रेमंड्स है उसका मालिक, एक्चुअल मालिक कौन होगा, जिसके पास मेजोरिटी शेयर्स है, कल क्या होने वाला है किसको पता है। कल राज तिलक होने वाला था रामचंद्र जी का, और रात को वनवास मिल गया, भगवान को भी नहीं पता कल क्या होने वाला है। तुम तो इंसान है, तो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द कंटिजेंसीज ऑफ आवर लाइफ। तो रेमंड्स की स्टोरी कुछ इस तरह से है, मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, डोंट टेक मी अदरवाइज, नेगेटिव टोन में मत लीजिएगा, उसको पॉजिटिव टोन में लीजिएगा। तो उनके जो ऑनर थे, इनका नाम था विजयपाल सिंघानिया,
जो रेमंड्स के जो ऑनर थे विजयपाल सिंघानिया 50 तल्ला इमारत में रहते थे। पैसा की कोई कमी नहीं है, बिलियनर हजारों करोड़ का मालिक है। अब मन में क्या आया, ट्रांसफर्ड ऑल, मन में क्या आया कि अपने छोटे बेटे को सारा इक्विटी शेयर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो उनका सिंगल इनकम था रेमंड्स कंपनी मेन बिजनेस। बोलते मेरे को रेमंड्स है, मेरे को इन्वेस्टमेंट करने का दरकार नहीं है ना, बिकॉज मेरा तो रेमंड्स है 10,000 करोड़ का कंपनी, आई डोंट वांट, मेरे को इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। अब बेटे को ट्रांसफर कर दिया, बेटे के दिमाग में डेविल बैठ गया, बिकॉज कोई बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। वो शैतान दिमाग में हावी हो जाता है तभी वो कैसा करेगा, वो कोई समझदार बच्चा तो नहीं करेगा ना। उसने क्या किया, अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, बेदखल कर दिया। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन, हम नहीं बोल रहे पर्सनली मत ले लीजिएगा, मतलब आपको लगा कैसे बोल रहा है, जो फैक्ट्स अभी लाइव है ये, दिस इज अ रिसेंट इंसिडेंट, कुछ साल पहले की बात है। तो विजयपाल सिंघानिया जी ने वॉरेन बफेट को सुना नहीं, तो मैं तो रेमंड्स कंपनी चल रहा है, शेयर ट्रांसफर कर दिया, बेटा ने घर से निकाल दिया, दे हैव टू स्टे इन होटल्स, होटल का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है, अभी तक ऐसा हालत है। तो मेन बिजनेस के अलावा भी कुछ और इन्वेस्टमेंट करके रखता तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं। तो पुत्र मुंह में इतना मत पड़ जाइएगा, इंटेलिजेंट ये बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये सब घटना घटती है हमें कुछ सीख देने के लिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि सन इज रॉन्ग और डॉटर इज रॉन्ग और फादर इज रॉन्ग, ये फैक्ट्स ऑफ लाइफ है। किसी के साथ इन्वेस्ट, आपको लाइफ में अच्छा जीना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना, बस कंक्लूजन यही है। और ये इन्वेस्टमेंट आपके जीते जी आपको किसी को ट्रांसफर नहीं करना है, मरने के बाद कोई ले लो वो बात अलग। अब देखिए डिफरेंट एसेट क्लास, अब इन्वेस्टमेंट 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 बहुत हो गया, कहां लगाए। तो हम लोग जहां पर पैसा लगाते हैं उसको टेक्निकली बोलते हैं एसेट क्लास, जहां पैसा लगा करके रिटर्न्स अगर हम लोग को मिलेगा उसको टेक्निकली बोलते हैं एसेट क्लास। पहला एसेट क्लास जो सबसे इजी होता है, सबसे सेफ होता है, वो है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपने बैंक में एफडी कर दी, बैंक बोला 5% का ब्याज मिलेगा तो 5% का ब्याज मिलेगा, उसमें कोई रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है। आपने गवर्नमेंट का बॉन्ड में पैसा लगा दिया, वो बोला 6% का आपको रिटर्न मिलेगा, तो इनकम फिक्स है। तो अगर इनकम फिक्स होगा तो उसमें रिटर्न कम ही रहेगा और रिस्क भी कम रहेगा। अगर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट आर गुड फॉर सेफ्टी पर्पस बट नॉट गुड फॉर वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्यों क्रिएट नहीं होगा, बिकॉज जो यहां से मिलेगा उसको महंगाई खा जाएगा, तो बढ़ेगा कैसे। मान लीजिए कुछ कुछ बढ़ रहा है, अब उसको काट देते हो, फिर कुछ बढ़ रहा है फिर काट देते हो, फिर तो बढ़ेगा कैसे, तो इन्फ्लेशन आकर के उसको खा रहा है। तो कुछ पैसा रखिए इसमें, 100 रुपया का 25 रुपया इसमें रखिए, मगर ज्यादा इसमें नहीं रखना है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर। लेडीज लोग को तो ऑब्वियसली गोल्ड सिल्वर कम बोलूंगा, गोल्ड डायमंड ज्यादा लगेगा। अच्छा, जिसका डायमंड का बिजनेस है, मैम आई रिमेंबर स्पेस टाउन, मैम से बात हुई थी मेरी, ऐसे मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है, बताते बताते क्या बोला भूल जाता हूँ, मगर दिमाग में पहले की सारी बातें याद रहती है। डायमंड अच्छा है मगर डायमंड इन्वेस्टमेंट नहीं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस मनी है आप डायमंड खरीदिए, मगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर डायमंड खरीदेंगे दैट इज नॉट इनफ। डायमंड अच्छा है, यू शुड बाय, अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है यू शुड बाय डायमंड्स। नेगेटिव नहीं बोलूंगा मैं, मुझसे इसलिए तो दाम बेसी होता है, इसीलिए तो इकोनॉमिक्स में बोलते हैं डायमंड की इतनी दाम होता है, बिकॉज जितना बड़ा डायमंड उतना ज्यादा पॉकेट अलाउज। ठीक है, सरप्लस है तो बाई कीजिए, मगर आपके पास नहीं है और आप दिखाने के लिए बाई करेंगे तो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारेंगे। बाई करना चाहिए, आप लग्जरी टू लग्जरी गाड़ी खरीदिए, बंगलोज में रहिए, सब कुछ अलाउड है, मगर कब, जब इतना पैसा आ जाए कि आपको डिपेंडेंसी नहीं हो। चक्कर क्या होता है ना, 1 करोड़ रुपया कमाई हुआ नहीं, हम 1.5 करोड़ का लोन लेकर के 10 चीज कर लिया। आप करो ना, आप लग्जरियस टू लग्जरियस लाइफ, जो कोई खराबी नहीं है, मगर उसके लिए आगे बिल्ड कीजिए, एक वेल्थ क्रिएट कीजिए। एक पर्सन है स्टॉक मार्केट के, इज अ स्टॉक मार्केट स्टॉलवर्ट वेटरन पर्सन है, विजय केडिया जी, मैं उनका बारबेक्यू गाना प्ले करके आप लोगों को सुनाऊंगा।
वो मतलब वो राकेश झुनझुनवाला, हर्षद मेहता जी, मतलब मेरे फादर की एज के पर्सन है एंड ही इज अ वेरी फेमस पर्सन नाउ. तो वो क्या बोलते हैं, ही इज अ वेरी सक्सेसफुल, मींस हजारों करोड़ का मालिक है अभी वो. व्हाट ही सेज दैट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, तो स्टार्टिंग में उससे जो कमाई होती है ना, उससे अपना आप शो ऑफ मत बढ़ाएंगे. बिकॉज स्टॉक मार्केट क्या है, अप्स एंड डाउन्स है. आज आपका मान लीजिए पोस्ट कोरोना 2020 के बाद किसी ने बाजार में 50 लाख रुपया लगाया, मतलब मार्च 2020 में मार्केट वॉज बॉटम आउट और किसी को आइडिया था, किसी ने 50 लाख रुपया लगा दिया, बिना दिमाग लगाए ऐसे लगा दिया. वो 50 लाख रुपया अगर एक साल बाजार में रह जाता ना, वो 1.5 करोड़ रुपया हो गया, 1.5 करोड़ रुपया हो गया, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी यू हैव इन्वेस्टेड. अब मान लीजिए वो 50 लाख का 1.5 करोड़ हो गया, 1 करोड़ का कमाई हो गया, उसको लगेगा हम तो सेंस है, हम तो बाजार सीख लिया. और 1.5 करोड़ का फिर क्या करेगा, 2 करोड़ का खर्चा दिखाएगा, वो ईएमआई बांध लेगा. अब तो अभी खाली 2 साल ही बाजार में आया है और बाजार ने जैसे यू टर्न किया है, उसका घर और सब बिक जाएगा. तो आप 5 साल 10 साल रहिए, आप पैसा कमाइए. अब आपके पास इतना पैसा हो गया कि आप 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा भी खर्चा कर देंगे तो दिक्कत नहीं है, तब कीजिए. तो अगर हम बोलते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, इसका ये मतलब है डोंट बाय, तो फिर पैसा कमा कर करेंगे क्या? आप अगर 10 करोड़ रुपया कमा लोगे तो क्या करोगे? तो यू शुड स्पेंड इन लग्जरी आइटम व्हेन योर पॉकेट अलाउस. तो प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर में कर सकते हैं, मगर इसमें भी चक्कर क्या है, रिटर्न ज्यादा नहीं है. जो सोना है ठीक है, लास्ट 2 साल में 30 का 60 हो गया, अभी 65 हो चुका है, मगर ये इसी रेट में चढ़ेगा नहीं. ये क्या होता है, इन्फ्लेशन हेज बोलते हैं इसको, मतलब इन्फ्लेशन हेज. इन्फ्लेशन हेज का मतलब क्या होता है, अगर आप सोना में पैसा लगाओगे, गोल्ड में पैसा लगाओगे, तो जितना महंगाई है उसे थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिलेगा. अगर इन्फ्लेशन 6% है तो आपको 6 से 8% का रिटर्न मिलेगा 10 साल का स्पैन में. अब हो सकता है आपने 30,000 में खरीदा, 2 साल में 60,000 हो गया, तो आप तो बहुत हैप्पी हो जाएंगे. और नेक्स्ट ईयर में भी आपका मन का एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, 30 का 60 हुआ तो 60 का 120 हो. ऐसा नहीं होगा, लीनियरली ग्रो नहीं करेगा. तो आपका 100 रुपीज का कुछ पार्ट प्रेशियस मेटल्स में होना चाहिए. 100 रुपए का 25 रुपए आपने फिक्स में डाल दिया, रिटर्न ज्यादा नहीं है, इन्फ्लेशन ही ज्यादा होगा. कुछ पार्ट मान लीजिए 20% या 10% आप गोल्ड एंड सिल्वर में डाल सकते हैं, अदर प्रेशियस मेटल्स. तीसरा एक है, अच्छा है मगर टिकट साइज बहुत ज्यादा, रियल एस्टेट, जमीन प्रॉपर्टीज काफी दाम बढ़ रहे हैं. इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट थिंग, मगर चक्कर क्या है, आपके पास है 1 लाख रुपए, आप जमीन खरीदिए, आपके पास 10 लाख रुपया तो भी नहीं मिलेगा. तो टिकट साइज बहुत ज्यादा है. आप महीने का 50,000 रुपया अगर कमाते हैं और बोले मेरे को जमीन खरीदना है, तो आप नहीं खरीद सकते. हाँ, आज से 30 साल पहले अगर बात करते तो मे बी परचेस कर लेते, आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है. तो रियल स्टेट्स आर गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बट द टिकट साइज इज वेरी हाई, तो हर कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता. आपके पास एक अच्छा कैपिटल होना पड़ेगा, करोड़ों में कैपिटल होना पड़ेगा, तब आप रियल एस्टेट में एक्चुअली कमाई कर पाओगे. So, जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है वो है इक्विटी. इक्विटी का सिंपल मतलब हो गया, व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी. कंपनीज जो होती है वो शेयर इशू करती है. शेयर में भी अलग अलग वैरायटी ऑफ शेयर हो सकता है. तो जो सबसे मतलब हम लोग जो बात करें वो इक्विटी शेयर का बात कर रहे हैं. तो अगर आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना, आपको उसका मालिक बनना है, तो आपको इक्विटी शेयर खरीदना पड़ेगा. तो इक्विटी शेयर बाई करने का मतलब क्या हो गया, उस कंपनी में हिस्सेदारी बाई कर रहे हो. इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में रिस्क है क्या नहीं है, ऑब्वियसली बहुत है, कभी भी कुछ हो सकता है, लॉकडाउन आ गया, बिजनेस बंद, तो बिजनेस में रिस्क है, मगर रिटर्न भी तो ज्यादा हो सकता है. तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास कैन गिव यू द हाईएस्ट रिटर्न, बट इट मे ऑल्सो हैव द हाईएस्ट रिस्क. तो हम लोग इक्विटी में अब ज्यादा फोकस करेंगे. तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने का 2 तरीका है. आप डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं. डायरेक्टली मतलब अब अगर मैं किसी कंपनी का नाम लेता हूं तो आप उसको इन्वेस्टमेंट मत समझिएगा कि मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूं. कल ही जाकर के घर में बोल दिए वो सर आए थे, वो कंपनी बोले ले लीजिए, और देखिए कब से वो कंपनी ले गया. हम खाली समझाने के लिए आपको नाम दे रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर खाली नाम ले रहे हैं, आपको रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं दे रहे. तो आपको मान लीजिए इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम हाथ रहेगा प्लीज. इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी एज पर कॉन्सेप्ट बता देता हूं, एक मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है. मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है, कंपनी है, उस कंपनी का शेयर है, उस शेयर का कीमत है 100 रुपया.
और उस कंपनी का बैलेंस शीट में नंबर ऑफ शेयर है 1,00,000। तो कंपनी का बैलेंस शीट में 1,00,000 शेयर है और एक शेयर का बाजार में कीमत कितना है? 100 रुपया। तो कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 1,00,000 × 100, 100,00,000 में 1 करोड़ रुपया, उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो कंपनीज का कभी भी हम लोग बात करते हैं ना, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन का हिसाब से बात होती है। क्या उस कंपनी का बैलेंस शीट में कितना शेयर है वो इजीली नजर आ जाता है बैलेंस शीट को देखने से, और बाजार में एक शेयर का दाम कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अगर कोई कंपनी बड़ी है या छोटी है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का हिसाब से होती है। तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम कोई बता सकते हैं? प्रॉम्प्ट मत कीजिए, प्रॉम्प्ट करने से क्या होगा? चॉकलेट मिल जाएगा। अब चक्कर ऐसा है, देखिए आपने बोला रिलायंस, मैंने इम्प्लाइड समझ लिया आपने राइट बोला है, मगर अब रिलायंस में भी बहुत सारे रिलायंस है। एक अनिल अंबानी का रिलायंस है, मुकेश अंबानी का है, एक रिलायंस ट्रेंड भी है, एक रिलायंस रिटेल भी है। तो अच्छा से नाम बताइए फिर चॉकलेट मिलेगी, हाथ उठाइए फिर मैम ने प्रॉम्प्ट कर। कोई बात नहीं, चलिए आपको दे देते हैं, आप जब से खड़े हो ना फोटो वोटो ले रहे हो तो ऐसे रिवार्ड मिला। तो आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 16,00,000 करोड़ का है। मतलब उसका बैलेंस शीट में नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस करेंगे शेयर का कीमत से, तो लगभग 16,00,000 करोड़। और मुकेश अंबानी के पास 50% उसका शेयर है, 50% से ज्यादा, 8,00,000 करोड़। अच्छा एक और क्वेश्चन, हु इज द रिचेस्ट इंडियन, इंडिया का रिचेस्ट पर्सन का नाम कौन है? हाथ उठाइए। यस मैम, अडानी। नॉट नाउ। अच्छा एक मैम, अच्छा आप बताइए, मुकेश अंबानी। यू मुकेश अंबानी? नहीं। चलिए और बताना, कौन? One more try. Yes, ma'am. गौतम अदानी। Yes, she is right, ma'am. आपने अदानी बोला, अदानी तो दो चार अदानी और भी हो सकते हैं, पूरा नाम बताना पड़ेगा ना, अदानी बोलने से तो होगा नहीं। Yes, गौतम मैम ने राइट बोला। कल एक्चुअली क्या होता है, जो लिस्टेड कंपनीज होती है शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब दो दिन पहले ही शेयर प्राइस अदानी ग्रुप का भाग गया, और जैसे भागा ना वो उससे थोड़ा सा आगे निकल गया। अब सैटरडे संडे क्या होगा, मुकेश अंबानी घर पे बैठ के डिनर करेगा, साथ में बेटा लोग बैठा रहेगा, पापा देखो गौतम अंकल तो आगे चले गए, क्यों टेंशन लेते हो, दो दिन उनको भी खुशी मना ले दो, दो दिन के बाद हम लोग का शेयर ऊपर चला जाएगा, हम लोग नंबर वन हो जाएंगे, तो उन लोग का शेयरिंग चलता रहता है। चॉकलेट नहीं दिया ना मैंने? यस, आप लोग डिजर्व करते हो ना, आप लोग अवेयर हो। तो गौतम अदानी जी अभी इंडिया के नंबर वन हो चुके हैं, अब वो चलता रहेगा, वो आगे पीछे चलता रहता है। अब 12 नंबर है वर्ल्ड में, आने वाला टाइम में अब टारगेट क्या होगा अदानी जी का? अच्छा तो रहता ना, अब उन लोग का पैसा का वो चीज नहीं है, इतना पैसा, पैसा खा भी देंगे तो खत्म नहीं होगा इतना पैसा। अब लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, लास्ट ईयर गौतम अदानी दुनिया के 3rd नंबर में पहुंच गए थे, और आई स्टिल रिमेम्बर हम और मेरा फ्रेंड देख रहा था, 7वां नंबर में पहुंच गया, 6ठा नंबर में पहुंच गया, 5वां नंबर में पहुंच गया। तो अगर बातें कर रहे से तो कोई फायदा नहीं है, तो आपको फायदा कैसे मिलता? अदानी का जो जो कंपनी है भाई थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दे तो वो ऊपर कैसे जाएगा, ऊपर इन द सेंस रैंकिंग में कैसे जाएगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो वी कैन, मतलब ये सब इन्फॉर्मेशन से भी हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, अब मैंने कुछ बताया तो मतलब भाई मुकेश अंबानी नंबर 2 हो गया है तो जरूर वो कुछ करेगा, शेयर प्राइस भागे तो चल जाके रिलायंस का शेयर खरीद लेते हैं, नॉट अ रिकमेंडेशन। तो डायरेक्टली आप जाकर के कोई शेयर को अगर बाय करते हो तो आप कर सकते हो, मगर इसमें क्या रहेगा, व्हेनेवर यू मेक इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी डायरेक्टली तो आप ऐसे ही तुक्का नहीं लगा सकते, वो तो अच्छी कंपनीज में आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मगर मार्केट में ऑपरेटर्स होते हैं ऑपरेटर्स। अगर आप हर्षद मेहता स्कैम देखोगे ना सीरीज, तो आपको ऑपरेटर समझ में आएगा, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो बाजार में तेजी मंदी करते रहते हैं, किसी कारण से शेयर का प्राइस इतना ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया, फिर जैसे रोलर कोस्टर राइड होती है ना, मजा आता है, लेकिन यहाँ पर मजा लेने से तो नहीं होगा ना, पैसा का नुकसान लगेगा। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट इज नॉट अ प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट, इट इज अ प्लेस टू मेक सीरियस मनी, पैसा कमाने का है। और ये मतलब बोला जाता है इट्स अ प्रिंटिंग
मनी मशीन, मनी प्रिंटिंग मशीन है ये, अगर कोई सीख लो तो। मशीन को चलाना सीखना पड़ता है, इतना इजी नहीं है, जितना इजीली मैं बोल दूंगा उतना इजी नहीं है, टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। हम लोग काफी साल से लग रहे हैं कि अभी तक चलाना सीखे नहीं है, तो कोई दो दिन में भी बहुत बार वर्कशॉप होता है, दो दिन का वर्कशॉप करो एकदम डबल ट्रिपल चौपल हो जाएगा। अभी सेबी ने एक टू, जिसमें ये सब बताने भी जरूरी है, सेबी ने एक टू एक यूट्यूब चैनल है, वो क्या करता है कोर्सेज भी बेचता है, और वो मतलब देखो कोर्स करना बहुत जरूरी है, चाहे यूट्यूब में करो चाहे ऑनलाइन करो चाहे फेस टू फेस करो कहीं भी, मगर कोई आपको ऐसा बोले कि मेरे से कोर्स कर लो हर महीना पैसा डबल होने वाला है तो हेरा फेरी मूवी देखनी चाहिए। विपाशा बसु ने कितना दिन में डबल किया था, 15 दिन में 21 दिन में। तो अगर ऐसी स्कीम आती है तो बच के रहिएगा, फिर कोर्स में मैं बोल दू आफ्टर दिस मेरा कोर्स कर लीजिए आपका पैसा हर महीना डबल हो जाएगा, एकदम विश्वास नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है, पैसा डबल वाला चीज कुछ नहीं है, ये सीरियस बिजनेस है, आप अच्छे बिजनेस में पैसा लगाओगे तो धीरे धीरे आपका ग्रोथ होगा। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो या फिर बीच में इंटरमीडियरीज होते हैं जिसको हम लोग म्यूचुअल फंड बोलते हैं। एनी आइडिया व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, किसी को आइडिया है, एनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ओवर हियर, किसी का बिजनेस है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन पर नहीं है, चलिए तो व्हाट इज म्यूचुअल फंड, एनी आइडिया व्हाट इज म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने आपको डिफरेंट एसेट क्लास बताया ना, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, रियल एस्टेट, प्रेशियस मेटल्स और इक्विटी, उसमें आप डायरेक्टली लगा सकते हो पैसा, आप खुद सोना खरीद लो, आप खुद जमीन खरीद लो, खुद जाकर के एफडी कर दो, खुद शेयर खरीद लो। अल्टरनेटिवली जिसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, तो म्यूचुअल फंड एक व्हीकल है, ट्रस्ट का फॉर्म एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्केट में आएगा और आपको बोलेगा देखो हम लोग एक म्यूचुअल फंड है, हम आपसे पैसा लेंगे और इस पैसा को हम लोग बाजार में लगाएंगे। वो बाजार में इक्विटी में भी लगा सकता है, डेट में भी लगा सकता है, गोल्ड में भी लगा सकता है, आपको बता देगा पहले। तो म्यूचुअल फंड क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपसे पैसा लेगा और आपके बिहाफ में बाजार में लगा देगा। अब ये आपका टेंशन नहीं है कि वो कौन सा शेयर में लगाएगा, वो शेयर कब खरीदेगा कब बेचेगा। म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, फंड मैनेजर जिसको बोलते हैं। तो ये फंड मैनेजर का ड्यूटी है डिसाइड करना कौन सा शेयर लेना है कौन सा बेचना। आपने अपना पैसा म्यूचुअल फंड को दे दिया, म्यूचुअल फंड उसको बाजार में लगाएगा और अपने हिसाब से उसको मैनेज करेगा। उसका टारगेट रहेगा कि आपको कमाई करके दे, बिकॉज अगर कमाई करके नहीं देगा तो आप अपना पैसा वापस मांगोगे,